आज है 2 मार्च 2019 और दोपहर के 11 बजे हैं। हम फिलहाल कर्नाटक में उडुपी के पास मालपे में हैं। मालपे ये एक अच्छा खासा बंदरगाह है और यहाँ चारों तरफ जहाज ही जहाज खड़े हैं। नावें खड़ी हैं, कुछ लदी हुई हैं, कुछ खाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सबके सब जाम में फंसे खड़े हों। ये असल में बंदरगाह समुद्र में नहीं है बल्कि एक नदी के मुहाने पर है। ये वो नदी है। ये नदी बड़ी दूर तक समुद्र के पैरेलल चलती है और जमीन की एक बहुत संकरी पट्टी इसे समुद्र से अलग करती है। इस पूरी पट्टी पर सड़क बनी है और ऐसी सड़क पर मोटरसाइकिल चलाना वाकई बहुत शानदार अनुभव है। इधर मुंडी घुमाओ तो नदी है और उधर मुंडी घुमाओ तो समुद्र है। और अब हम आगे हैं हाईवे पर, मंगलोर वाले हाईवे पर, उडुपी मंगलोर हाईवे। 4 लेन हाईवे है, मस्त बना है, एकदम शानदार। और मंगलोर से हमें जाना है कूर्ग, कूर्ग यानी मडिकेरी। अभी हम मंगलोर से चले हैं और मडिकेरी के रास्ते में हैं। फिलहाल पुत्तूर में हमने हल्के फुल्का कुछ खाया था इसी रेस्टोरेंट में, वेज नॉन वेज दोनों रेस्टोरेंट है ये। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गर्मी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रही है। अभी 2:30 बजे, बिल्कुल भी धूप में ना बाहर निकलने का मन है और ना ही बाहर देखने का मन है। ये मन कर रहा है कि कहीं पे एसी वाला रूम मिल जाए और हम सो जाएं। लेकिन अभी भी तकरीबन 70-80 किलोमीटर है मडकेरी, और मडकेरी तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। तो फिलहाल साउथ की यात्रा अब मुश्किल होने लगी है। वो गर्मी गर्मी ज़बरदस्त गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही हम कूर्ग जा रहे हों लेकिन हमारा गर्मी से बहुत बुरा हाल है और अब घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कूर्ग वाकई बहुत खूबसूरत है लेकिन पर्यटन की दृष्टि से किसी भी जगह को उसके बेस्ट सीजन में ही देखना चाहिए, है ना? और कूर्ग घूमने का बेस्ट सीजन है मानसून। यहाँ पे पहाड़ हैं, जंगल हैं, वाटरफॉल हैं, डैम हैं और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये बेस्ट सीजन नहीं है। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। फिलहाल हम कूर्ग को केवल टच करने जा रहे हैं। कावेरी निसर्ग धाम, ये जगह जो है ना, ये कावेरी नदी के अंदर एक टापू है, मतलब आइलैंड है, और उस पे स्थित है। 9 बजे यहाँ पे एंट्री होती है और 10 रुपये इसका एंट्री फीस है। तो फिलहाल हम कावेरी की एक धारा को पार करके, ये हैंगिंग ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, इससे पार करके आइलैंड पे जा रहे हैं। और आइलैंड पे क्या होता है चलो देखते हैं। इधर बोटिंग एंट्रेंस है,
बोटिंग होती होगी। ये है कला धाम, अभी इसमें ताला लगा हुआ है। और चलिए इधर देखते हैं, कुछ है दीप्ति का इशारा इधर जाने का हुआ है। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कौन से हैं, कस्तूरी है क्या? हाँ ये बार्किंग डियर है, बार्किंग डियर है तो बड़ा होता है ना। हाँ ठीक है, कावेरी नदी के आइलैंड पे स्थित ये बहुत अच्छी जगह है, सुख शांति से दूर। सुख शांति से दूर नहीं, नहीं भीड़ भाड़ से दूर, भीड़ भाड़ से, हाँ भीड़ भाड़ से दूर। तो ये भीड़ भाड़ से दूर बड़ी अच्छी जगह है सुख शांति वाली। तो यहाँ पे पिंजरे के अंदर भी कुछ हिरण बारहसिंगा हैं और ऐसे जंगल में खुले भी घूम रहे हैं। ओके
अगर आप कुर्ग में हो तो बाइलाकुप्पे जाना जरूर बनता है। 1962 के तिब्बती शरणार्थियों का गांव है बाइलाकुप्पे। 1962 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था तो तिब्बतियों को विस्थापित होना पड़ा था और भारत ने उन्हें शरण दी थी। हिमाचल में मैकलोडगंज में और वर्तमान छत्तीसगढ़ में मैनपाट में और यहाँ पे कर्नाटक में बाइलाकुप्पे में उन्हें बसाया गया था। आज ये स्थानीय निवासियों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गए हैं और आपको बहुत सारे तिब्बती लोग पूरे कुर्ग में वे सारे काम करते दिख जाएंगे जो स्थानीय निवासी करते हैं। और जहां तिब्बती होते हैं वहां मोनेस्ट्री भी जरूर होती है। यहां पर नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री है जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं।